Hey guys, what's up and welcome to Origami 2. So, ये जो ये gameplay experience series होने वाला है, ये पूरा हम walk through नहीं करेंगे, detailed walk through, क्योंकि एक कहना Bridge of Spirits करके game आने वाला है 22 September में, and उसका मुझे पूरा walk through करना है, उसके लिए मैं काफी hyped हूँ. तो ये वाला game हम just check out करेंगे, मैं सोच रहा हूँ एक 5-6 episode के आसपास रखेंगे. तो ये game जो है एक action adventure ninja game आप बोल सकते हो. Origami 1 2016 में आया था, तो इसका sequel है वो उसका. तो अगर आपको एक ninja game, cool ninja game पसंद है, इसमें थोड़ा सा स्टेल्थ पे ज्यादा फोकस किया गया है, भले ही उन्होंने बोला है कि इसमें हैक एंड स्लैश एलिमेंट्स भी है, लेकिन स्टेल्थ पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया है उन्होंने, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो. बाकी आप जो भी हमारे एपिसोड्स आने वाले 3-4 वो सब देखो, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये गेम खेलना है कि नहीं खेलना है. बाकी जब ये गेम आया है, इसके रिव्यूज थोड़े से मिक्सड आए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं बुरा है. वो मिक्सड रिव्यूज का रीजन ये है कि गेम में कुछ काफी खराब बग्स है, जैसे कि मतलब वो ऐसे बग्स है कि आपको पूरा मिशन वापस करना पड़ सकता है, लेकिन ये सब ने फेस नहीं किया है. कुछ लोगों ने फेस किया है, कुछ लोगों ने फेस नहीं किया है. तो देखते हैं कि हमें कोई बग मिलता है कि नहीं है, बाकी देखते हैं गेम ओवरऑल कैसे चेकआउट करते हैं. जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. कैरेक्टर नेम कुराई ही डाल देते जो उधर लिखा हुआ है, कुराई. तो Origami 1 के कंपैरिजन में इसमें मतलब जो डेवलपर्स है उनके दावे के हिसाब से उन्होंने काफी सारी और चीजें ऐड की, एंड कुछ चीजें जो Origami 1 में थी वो वाली एबिलिटीज वगैरह. ये कौन सा लैंग्वेज है? अच्छा, ये एक इंडी गेम है, एंड स्टीम पे आप देखोगे तो इसका प्राइस आई थिंक अराउंड 600 समथिंग है, 650 ऐसा कुछ है. एंड इसके अलावा ये गेम पास पे भी अवेलेबल है, एक्सबॉक्स गेम पास पे. सो एक्सबॉक्स गेम पास बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है. अब काफ़ी सारे खासकर की जो इंडी गेम्स है वो तो काफ़ी सारे आ ही जाते हैं एक्सबॉक्स पे, एंड उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट के मेन टाइटल्स हैं वो सब फोर्ज़ा हो गया, हेलो इन्फ्राइट जो आने वाला है, ये सब आपको मिल जाएंगे. अच्छा, इसमें कोऑप मोड भी अवेलेबल है, आप अपने और 3 या 4 दोस्तों, मतलब टोटल 4 प्लेयर्स या टोटल 3 प्लेयर्स खेल सकते हैं, ये एग्जैक्टली पता नहीं, शायद 4 है टोटल हमें मिला के. स्पेस से जंप, स्पेस वाइल इन एयर टू जंप सेकेंड टाइम. ओके, मूवमेंट स्मूथ फील कर रहा है काफी. प्रेस एफ टू टेलीपोर्ट एट एनी लेज. ओके, शैडो लीप, ओह लव, दैट्स नाइस, ये काफी बढ़िया था. Shift to dash, hold shift to sprint after performing a dash. Oh, shadow dash. मैं चीजों के आर पार जा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, okay. So हम solid things के आर पार नहीं जा सकते. मुझे एक वो चीज देख रही थी, क्या आर पार जा रहे हैं हम? Okay, and this is a sprint. Okay, use the environment to remain hidden and avoid making noises when you are close to enemy. Common चीज़ है, सी से क्राउच है. ओके, rooftops and other tall structure provide secure advantage point. ओके, remaining in shadows affects your enemy's abilities to spot you. ओके 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 ओके. अभी तक सारी प्रिटी नॉर्मल चीज़ें ही दिख रही है, कुछ इतना नया नहीं है. इसमें जो यूनिक चीज़ें आती है ना वो इसकी एबिलिटीज है, जो निंजा के क्या कहते हैं उसे, मैजिकल एबिलिटीज नहीं बोल सकते, जो भी निंजा एबिलिटीज है वो, लेकिन काफी बढ़िया बढ़िया वो सब अभी कुछ अनलॉक हुई नहीं, अभी तो ट्यूटोरियल ही चल रहा है. आई कैन गो देयर, आई थिंक हमें इन्हें मारना नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ बहुत कम है, आप देख सकते हो. ओके,
यहां से किधर? अच्छा, हम जो वो लेज लेज ग्रैब करते हैं ना, वो कोई मतलब प्री डिसाइडेड एरियाज में ही कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं सीधा लेज ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जंप करके चलना पड़ेगा। मैं वही ट्राई कर रहा था, क्या मैं टेलीपोर्ट होके लेज ग्रैब कर सकता हूँ, रीच द एरिया। ये देखो, जब इधर आ गया ब्लू कलर का आइकॉन तो हम लेज ग्रैब कर सकते हो। शैडो विजन लेट्स यू सी एनिमीज एंड अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स थ्रू द ऑब्स्टेकल एंड ऑल्सो शो द करेंट मिशन ऑब्जेक्टिव। होल्ड वी फॉर शैडो विजन। ओके, यू शैडो विजन टू सर्वे द एरिया एंड पिन पॉइंट एनिमी पेट्रोल्स। ओके ओके, शैडो लीप क्राउच क्लाइंब अप। एनिमीज दिख रहा है ऑब्जेक्टिव। ओके, आई थिंक वो येलो वाला डायमंड शेप जो था वो ऑब्जेक्टिव था। मुझे एक्चुअली ये लेज वाला मैकेनिक्स बहुत बढ़िया लगा, लेकिन सैड बात ये है कि हम कहीं पे भी नहीं कर सकते हो, तो उसका पूरा फ्रीडम होता ना तो बहुत मजा आ जाता। ये कौन है? किसी को लेटा दिया इधर। सपोर्ट आइटम्स ग्रांट्स डिफरेंट इंस्टेंट इफेक्ट्स दैट कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग व्हेन यूज्ड इन द अप्रोप्रिएट मोमेंट। टू यूज सपोर्ट आइटम, ओपन द मेनू व्हील बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू यूज। वन सेलेक्टेड, यूज इट बाय प्रेसिंग आर। ओके ओके, सो कंट्रोल से सेलेक्ट करके आर से यूज करना है। यूज द वाइटलिटी पोर्शन। ओके, हीलिंग आइटम मिल गया, तो बेसिकली क्विक इन्वेंटरी टाइप का बोल सकते हो आप। ये सिलेक्टेड है? यस सिलेक्टेड है वो। और फुल हील नहीं होता है ऑलमोस्ट, या 3 यूज करने पड़े फुल हील करने के लिए। प्रेस दिस टू क्लोज टू एन अनअवेयर एनिमी। नॉकआउट्स प्रेस ई टू। ओके, ई से यानी कि ई से सिर्फ नॉकआउट है, यानी कि वो एनिमी बाद में कभी उठ सकता है, और दूसरे से असैसिनेशन है। ओके, दिस वाज द असैसिनेशन। ओ, ये बॉडी वॉडी भी छुपा सकते हैं क्या हम? ओके, तो जिन लोगों को थोड़ा सस्ता असैसिन क्रीड खेलना है वो खेल सकते हैं आई थिंक, क्योंकि असैसिन क्रीड अभी उतना असैसिन क्रीड नहीं रहा जितना वो पहले हुआ करता था। उसके जो स्पेशली जो आखिरी के 3 गेम्स आए हैं मुझे पसंद तो आया, आरपीजी पैटर्न है वो, लेकिन वो असैसिन क्रीड टाइप के तो बिल्कुल नहीं है। समटाइम्स कॉम्बैट इज इनएविटेबल बट यू शुड कंसिडर स्ट्रेटेजिक रिट्रीट व्हेन द ऑड्स आर नॉट इन फेवर, यानी कि ज्यादा बंदे हुए तो भाग जाओ। प्रेस टैब टू लॉक द कैमरा ऑन द एनिमी एंड स्विच टू द कॉम्बैट स्टैंस। यू विल नाउ हैव द चांस टू प्रैक्टिस द बेसिक कॉम्बैट विदाउट टेकिंग। ओके, अब हैवी डैमेज नहीं पड़ने वाला। प्रेस दिस टू अटैक एनिमी 3 टाइम्स टू कंटिन्यू। ओके, खड़े हो जा। ओके, होल्ड दिस टू ब्लॉक द एनिमी। रिसीविंग एन एनिमी वाइल ब्लॉकिंग विल यूज योर स्टैमिना। ओके, स्टैमिना तो नीचे वाला स्टैमिना वाला है डेफिनेटली, जो काइंड ऑफ ग्रे वाइट कलर का है। रनिंग आउट विल लीव यू वल्नरेबल टू ओपन। ओके ओके, तो पैरी किया जाए मैंने गलती से, अभी मुझे बस ब्लॉक करना है। एक चीज नोटिस की, अगर मैं ब्लॉक होल्ड करके रखूंगा तो मेरा स्टैमिना रीगेन नहीं हो रहा है। ओके, प्रेस दिस स्लाइटली बिफोर द एनिमी अटैक्स टू ट्रिगर अ पैरी लोअरिंग योर ओपोनेंट स्टैमिना। पैरी 3 टाइम। ओके, अभी आया पैरी। ओके, हो गया पैरी। प्रेस शिफ्ट टू डैश एंड इनवेड एनिमी अटैक्स। ओके, आई यूज इट वाइल मूविंग टू डैश इन सर्टन डायरेक्शन। ओके, परफॉर्म अ डैश वाइल
विल यूज स्टैमिना डैश 3 times. अच्छा सारी चीजों में स्टैमिना यूज हो रहा है. ब्लॉक करो, अटैक करो, डैश करो. ओ ये काफी बढ़िया था एक्चुअली. मेरा स्टैमिना खत्म हो गया. योर अपोनेंट्स वाइटलिटी एंड स्टैमिना डिस्प्लेड अबव देयर हेड्स. ओके व्हेन लॉक्ड ऑन अ कैरेक्टर स्टैमिना विल डिक्रीज व्हेन परफॉर्मिंग अ डैश और ब्लॉक और व्हेन रिसीविंग अ पैरी. ओके आई थिंक पैरी काफी जल्दी होगा, स्टैमिना खत्म कर देगा. द अपोनेंट स्टैमिना डिप्लीट्स यू विल बी एबल टू परफॉर्म क्रिटिकल अटैक इन्फ्लिक्टिंग ह्यूज डैमेज ऑन एनिमीज विद लो वाइटलिटी. परफॉर्मिंग क्रिटिकल अटैक विल ट्रिगर कॉम्बो एग्जीक्यूशन. ओके नॉर्मल एनिमीज यानी कि खत्म. मिनी बॉसेस एंड बॉसेस पे आई थिंक क्रिटिकल अटैक का मतलब हाई डैमेज. योर प्रैक्टिस इज ओवर सो यू कैन टेक डैमेज नाउ. डिफॉल्ट दिस एनिमी, डिफीट दिस एनिमी टू प्रोसीड. ओके लॉल. प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो रही थी, जैसे ही स्टार्ट हुई पहले लग गया. ओके चलो हमारा स्टैमिना खत्म हो गया था. उसका स्टैमिना खत्म हो गया था. ओके सो स्टैमिना खत्म होने के बाद ऐसा एनिमेशन आ जाता है. ओके डेफिनेटली एक कॉम्बैट गेम में इसे बोलूंगा तो नहीं, अनलेस आपको पूरा गेम सेकिरो जैसे खेलना हो तो अलग बात है. ये तो बस बेसिक एनिमी था. जो इसका पहला पार्ट था वो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ पूरा स्टेल्थ पे फोकस था, बट इसमें इन्होंने थोड़ा सा कॉम्बैट का भी डाला हुआ है. असैसिनेशन एंड नॉकआउट्स कैन ऑल्सो बी परफॉर्म फ्रॉम अबव. ठीक है असैसिनेट टू प्रेस. ओके नॉकआउट और असैसिनेशन का फायदा क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? क्या नॉकआउट कुछ स्टोरी से स्टोरी में रिलेटेड है? ओके इसने क्लियरली मुझे स्पॉट कर लिया था, तब भी पता नहीं कैसे असैसिनेट हो गया ये. मुझे हील कहाँ से मिलेंगे? ओ ये लेज ग्रैपल करने के लिए भी स्टैमिना लगता है. ओके ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए स्टैमिना लगता है चाहे कुछ भी हो. ऐसे असैसिनेट कर सकता हूँ. यप नाइस. Lean on the wall or similar surfaces to acquire different strengths that will let you peek around the corners and activate special kill and knockout types. These as well as those performed from within the grass, from a ledge or from a lower cover makes less noise. Okay. I hope ki wo mude na. मुझे देख लिया है क्या? अरे डिले क्यों है? इस वजह से पैरी करने में दिक्कत हो रही है. ये पैरी हुआ ना. ओह शिट. हाँ स्टैमिना नहीं था मेरे पास. डॉज किया लेकिन डॉज हुआ नहीं. ओके इस बार जरा पूरा ही स्ट्रेंथ का ट्राई करेंगे. ऐसे मारना था इसको पहले, मैं गलती से नीचे कूद गया था.
मुझे एक चीज देखना है, जब ये मेरे तरफ फेस, अच्छा ये इधर तक आ ही नहीं रहा है। ओके चलो मारे इसको। मैं तो 100% कन्विंस हो चुका हूँ कि ये गेम खेलने का सही तरीका है स्टेल्थ। ट्रैवल्स टू द नेक्स्ट एरिया, ओके, यूजिंग एवरीथिंग यू हैव लर्न सो फार, एंगेज इन कॉम्बैट, एलिमिनेट योर ओपोनेंट्स फ्रॉम द शैडोज और स्नीक अनडिटेक्टेड, इट्स योर चॉइस, रिमेन अननोटिस्ड यूजिंग द शैडोज ग्रास, ओके एफ सी से ठीक है क्राउच करके, एम एट द लेज एंड प्रेस एफ टू यू शैडो, वी टू शैडो विजन। ओके जो अभी तक बताई वही चीज़ें वापस बता रहा था। शैडो विजन का रेंज बहुत ज्यादा नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बस आसपास का देख सकता हूँ। तो उस तरफ एक एनिमीज है, एक घर वगैरह के शायद हम अंदर जा नहीं सकते, ये बस ऐसी मॉडल्स, डमी मॉडल्स बना के रखे शायद। मुझे ये एक एक चीज समझ में नहीं आ रही, इसको इतना सारा खून कैसे नहीं दिख रहा। ये किल एक्चुअली ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये अपने एनिमी को अंदर की तरफ खींच लेता है, जो हम वॉल से चिपक के जो किल किया हमने, एज कंपेयर टू अगर मैं डायरेक्टली जाता। वही पता नहीं इसने मुझे कैसे नोटिस नहीं किया। किधर गया ये बंदा? जाना किधर था यार? ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा, सारे एनिमीज को मारना है या नहीं, रीच द एरिया लिखा हुआ है। आई थिंक प्रोबेबली उस तरफ जाना है हमें। ये गेम में वेपन टाइप्स वगैरह कुछ नहीं है, पूरे गेम में वेपन आपका कटाना ही रहेगा, लेकिन एबिलिटीज बहुत सारे मिलेंगे आपको, स्पेशली अरागामी 2 में उन्होंने और ज्यादा एबिलिटीज डाले। मुझे आइडिया नहीं है मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे वो जो डायमंड वाला सिंबल है ना वो नहीं दिख रहा आगे प्रोग्रेस करने का, बट ठीक है चलते हैं। हाँ ये आया ना डायमंड वाला सिंबल। ओके ये लोग पहले से टपके हुए हैं। सोल्जर वन सोल्जर टू डाला है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिंपली डायलॉग सुना देते उधर, सोल्जर वन सोल्जर टू डालने की जरूरत नहीं थी। लॉल मेरा दोस्त किधर गया, तो इधर ही खड़ा था अभी, अब ये भी मरेगा।
कौन है बे? बॉस? नहीं, बॉस नहीं था ये। ये सब मुझे लग रहा है मेजर विलेंस है गेम के। ऐसा लग रहा है ये जो हैट वाला बंदा था वो दूसरे उस निंजा को कंट्रोल कर रहा था, माइंड कंट्रोल। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ये कोऑप में कैसा फन होगा अगर आपके साथ दो या तीन और दोस्त हैं एंड आप टाइमिंग कर सकते हो कि अच्छा तू ये बंदे को मार, मैं इसको मार, तो ऐसे मजा आ सकता है। ये जिंदा कैसे बच गया? इसका तो वूंड भी नहीं है इसके ऊपर, जो घाव था। Defend the land and its inhabitants. You're also a warrior whose duty is to protect the weak from tyranny. Okay. तो ये लोग immortals है कि मरने के बाद वापस जिंदा होता है, ऐसे कुछ है। अच्छा, ये मास्क था ट्रेलर वेलर में। वैसे भी इसका चेहरा कुछ ऐसे ज्यादा दिख नहीं रहा था। काकुरिका विलेज, ओके। चलो, मेनी क्वेश्चंस बट लेट मी वार्न यू अच्छा, काइंड ऑफ अ कर्स है इनको। लोग मरने के बाद वापस जिंदा होते हैं, फिर इन्हें कर्स लगता ही है। इनको ना ही खाने पीने की जरूरत है, ना ही सोने की जरूरत है। ओके, हमने एक चीज नोटिस की, कैरेक्टर का, मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं बताया हमें। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप कोऑप खेलोगे तो बाकी लोग भी सेम निंजा ही होते हैं, जैसे मास्क लगा के घूम रहे सबके सब। मुझे लग रहा है ये पूरा सेंट्रल हब एरिया टाइप का होगा, भी जहाँ पे हम चीजें वगैरह, स्किल पॉइंट्स वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ओ,
Aragami Konobeta. Kurotsuba. Invaders the invader nation of Akatsuchi is using their fire to lay waste to this land. Okay, so Akatsuchi villain hai. Okay, Akatsuchi clan jo bhi hai wo. In their way they leave scorched woods. Okay, valley will be wiped out or enslaved. The mountain disability. Okay, sure. We need to find a cure to our curse before we lose our humanity, before we turn into a different type of being. We don't have much time. Okay, talk to you, you will see him the horrors of our curse. You will see in him the horrors of our curse. Okay, Yuvav se baat karni hai, to hame ye curse khatam karne ka tarika dhoondna hai. Baki jo ye land ke weak log hai, unko protect karna hai. Kind of protect rahe ya ke, okay. Common people zyada sahi word rahega, weak zyada acha. Ek second, mujhe ye dekhna hai. Shadow, simple master. Ye sab hum change kar sakte hai, ye inhone idhar diya hai to ho sakta hai. Mujhe ye dekhna hai ki kya लैंग्वेज का ऑप्शन है इसमें. सेलेक्ट कैरेक्टर. ओके, यानी कि सेलेक्ट कैरेक्टर हम मल्टीपल गेम एक साथ स्टार्ट करें तो उसके लिए वो शायद. अबाउट मिशन, ओपन सेटिंग, कैमरा. गेम प्ले में तो नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है लैंग्वेज इधर ही होना चाहिए था अगर होता तो. बाकी ये तो सब टाइटल वब टाइटल वगैरह, ग्राफिक्स भी कुछ नहीं. म्यूजिक का आई थिंक बाई डिफॉल्ट ये जो भी लैंग्वेज है उसी में. जापानीज है क्या कि चाइनीज? चाइनीज तो नहीं लग रही है, चाइनीज सुनने में थोड़ी अलग होती है, थोड़ी सी जापानीज जैसी लग रही है. हो सकता है जापानीज हो या फिर पता नहीं कोरियन वगैरह क्या. ये कौन है? सुमिरे डॉटर, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी? इट्स मी योर मदर. लेकिन ये डॉटर नहीं है, ये सन है. ऑब्टेन्ड 8 gold. ओके, तो ये सबके सभी विलेज में जो भी लोग हैं सब वो कर्स्ड है. ये लोग ना ही सो सकते हैं ना ही खाना खा सकते हैं. इनको कर्स ब्रेक करने का कोई तरीका देखना है. इवाओ किधर है? ये है इवाओ, और ये काफी बुढ़ा लग रहा है. सेल्फ निंजा ड्रेस लाइक दैट, गॉड ऑफ लाइटनिंग. Show me your ninja techniques. Smoke technique, shuriken flowers, cloning technique. Talk to leader Katashi. Leader नीचे आ गया क्या हमारा? अच्छा हाँ, मुझे वो थोड़ा सा पागल जैसा लग ही रहा था. तो अगर ये कर्स्क ज्यादा टाइम तक रहा तो ये सब पागल हो जाएंगे बेसिकली. बट पार्ट ऑफ हिज हार्ट क्लिंग्स टू द ओल्ड डोजो. मे बी देयर स्टिल होप फॉर हिम. आई हैव अ मिशन विद योर नेम ऑन इट. ओके, ट्रूप्स हैव टेकन फॉर द रूमर इज इट हैज अ ओल्ड स्क्रॉल हैज बीन फाउंड. इट होल्ड्स द टेक्निक ऑफ द शैडो डेप्थ्स. ओके, यू नीड टू रिकवर इट. यू कैन एक्सेप्ट मिशंस फ्रॉम द बोर्ड बिहाइंड मी. ओके, रिट्रीव द 2 scrolls एंड गिव इट टू योर. You can accept Kurotsuba clan's task for from the mission board. As you progress on your warrior's path, you will discover new locations where you can complete mission and find hidden blueprints to improve your equipment. Missions are the essential in Kakurega village. The mission board also shows the experience and gold rewards you will receive when completing them. Okay, extra tips in the bottom left corner. You will find all completed missions. Okay, in chronological order, bottom left way. Each mission grants experience depending on the rank obtained. You will receive a reduced gold reward if you have completed the mission before. Yeah, depending on the rank obtained. Okay, but you can also find some more in the coin bags and chests scattered around the place. So ओके, ये वाला शायद स्टोरी मिशन है. एक बार स्टोरी मिशन करने के बाद जब ट्यूटोरियल सा काइंड ऑफ खत्म हो ही गया, आई थिंक ये मिशन करने के बाद मे बी 2-3 missions आएंगे एंड हम रैंडमली चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा पहले करना है. ट्रूप्स हैव फाउंड द एंशिएंट टेक्निक्स ऑफ शैडो एडेप्ट्स. रिट्रीव देम फ्रॉम एंड गिव देम टू. ओके, तो हमें स्क्रोल चुरा के लाने. 100 XP, 50 gold और ये क्या 3 clues होंगे शायद. गो थ्रू द पोर्टल. वेयर इज द पोर्टल? ओह, ये रहा.
यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। ये ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है? ओके दैट इज माय पोर्टल। वो जो गोल सा व्हील आ रहा है, एनिमीज ग्रीन कलर का क्या है एंड मुझे जाना किधर है? अरे चढ़ जाए इस तरफ, एक घूम फिर के जाना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लग रहा है ये हीलिंग आइटम्स है शायद। अब गोल्ड है, उसके दोस्त को वापस जाने देते हैं। उसके सामने तो बिल्कुल नहीं बांटने वाला। ओह शिट, मैं सब कर दिया था मैंने ऑलमोस्ट, बट ठीक है। पता नहीं गोल्ड का क्या काम है, लेकिन आई थिंक कि मे बी अगर इसमें कुछ आर्मर वार्मर वगैरह का अपग्रेड है तो वो खरीदने के काम आता होगा, इसलिए फिलहाल तो मैं इसे इकट्ठा कर रहा हूँ। एक दो तीन, यहाँ पे फंसना एक अच्छी बात नहीं होगी ऑब्वियसली। ये पूरा एरिया एक्चुअली हमने स्किप कर दिया, किसी से लड़ना ही नहीं पड़ा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे वो डायमंड अभी भी दिख नहीं रहा। मैं इंट्यूशन जो मुझे अंदाजा लग रहा है उस हिसाब से बस आगे बढ़े जा रहा हूँ। ऐसे आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, ऐसा कोई दूसरा कोई रास्ता है नहीं, तो काइंड ऑफ बोल सकते हो लीनियर प्रोग्रेशन है। ओपन वर्ल्ड जैसा तो कुछ भी नहीं इसमें, ओपन वर्ल्ड जैसे है भी नहीं। यार ये मुड़ क्यों नहीं रहा है? उधर ही खड़े रहेगा क्या दिन भर? ओके यार, हैं बंदा भाग है, ऐसे कौन पेट्रोलिंग करता है? एक जैसे दूसरे को भाग के गया है ये। गोल्ड ये ऐसे खड़ा था, फिर उसे मुड़ के ऐसे भाग भाग के गया, फिर इधर खड़ा हो गया आके। मुझे लगा धीरे धीरे जाएगा चल के। यहाँ पे कोई एनिमीज क्यों नहीं है? हेलो, ये तो मैं एकदम घूम फिर के स्टार्टिंग वाले लोकेशन पे आ गया। स्क्रॉल किधर मिलेगा मुझे? वो आगे बढ़ने का रास्ता मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली। ओके सो हम हवा से भी एक्चुअली शैडो लीप मार सकते हैं। नहीं बच गया, पता नहीं कैसे बचा।
यहाँ से जा सकता हूँ क्या मैं? लग रहा है शायद जा सकते हम। नहीं, वो ये खुद ही लीप मार रहे हैं अगर हम गलत जंप मारते हैं ना। या अरे ये तो बंद है। एक सेकेंड, एक बार कंफर्म कर लूँ कि इधर कुछ करना नहीं है। ये मशीन थोड़ा सा सस्पिशियस टाइप का लग रहा है, बट इसके साथ कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे कुछ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ से अगर नीचे जाऊँगा तो वापस ये हमारा एकदम स्टार्टिंग लोकेशन है। पीछे कुछ एनिमीज मैंने छोड़े थे ना, आई गेस मे बी उनको मारना, उनमें से किसी पर हो सकता है स्क्रोल हो। बाकी उस तरफ एक लोकेशन दिख रहा है बट उधर मैं जा नहीं पा रहा। अंदर की तरफ आएगा तब मारेंगे इसको। यहाँ पे एक आता है ना, ये आएगा इस तरफ तो इसको भी निपटा देंगे। अबे इतने तेज कैसे आ रहा है? आई थिंक बच गए हम। ओके बच गए बच गए बच गए। नाइस। तो मेरे पास कोई हीलिंग आइटम है क्या? नहीं, हीलिंग आइटम नहीं है कुछ भी। उनको मारने से तो कुछ नहीं मिला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सेंटर में जो बंदा खड़ा था ना, जिसका थोड़ा अलग अलग टाइप के कपड़े थे, मे भी उसको मारने से कुछ मिले, बट उसको मारने से भी कुछ मिला तो नहीं। यहाँ पे आई थिंक एक और है, यह आखिरी था। तो यहाँ पे कुछ है क्या? और ये है शायद स्क्रॉल है, ये नहीं है। हेलो, टेबल पे एक स्क्रॉल रखा तो है। अरे यार नीचे इतना सब कुछ है, लॉल। तभी मैं सोचूं आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, मैंने ऊपर तक तो सब कुछ क्लीन कर दिया, नीचे जाना था हमें। मेन चीज ही मिस कर दी एकदम स्टार्ट में। ओके, वो हरे कलर का डब्बा शायद स्क्रॉल हो सकता है हमारा। इनके पास होगा स्क्रॉल पक्का। अरे इनको मारूं कैसे? तीन तीन बंद है इधर। पहले आसपास के चंगू मंगू को खत्म करते हैं। इस तरफ नहीं है, ये रहा। कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं मिली हमें।
वो रहा, स्क्रोल्स वही है। गेट द शेडोज टेक्निक स्क्रोल, मुझे लग रहा है स्क्रोल से मे भी हमें बाद में कोई टेक्निक मिले। कैसे वर्ड, तीन तीन बंदों को तो टेक ऑन नहीं कर सकते हम, एक को मैंने मार भी दिया तो भी 2v1 हो जाएगा। ओके, वो एक बंदा एक्चुअली ये कर रहा है। उसको हम मार सकते हैं, ये जो इधर उधर घूम रहा है ना, इसको ये जब हमारे तरफ आएगा तब इसको मार सकते हैं। फिर उसके बाद दो बंदे उसमें से एक को असैसिनेट करेंगे, दूसरे को फिर 1-on-1 फाइट करना पड़ेगा। पक्का मैं श्योर हूँ इसके पास कुछ ना कुछ कुनाई या फिर वो स्टार ब्लेड वगैरह वाली एबिलिटीज होंगी, लेकिन क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट है गेम का तो ये सब अनलॉक नहीं है। आजा आजा, किधर गया ये, और अभी उधर तक ही पहुंचा है ये, इसको घास में ले लेंगे। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। नाइस, अगर डबल असैसिनेशन जैसा कुछ होता तो काफी बढ़िया होता। अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कॉम्बैट कैसे करना है। ओके, हैं? ये नहीं था क्या स्क्रोल? आई थिंक इधर फिर बस हमें क्लू लेने आना था। इन्होंने बोला कि वो कैप्टन के वहां पे रखा है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, मुझे लगा फिर वो लोग उठा के इधर लेके आ गए इसको, तो मुझे लगा था ये स्क्रोल है, बट सीम्स लाइक दैट कि वो स्क्रोल नहीं है। तो एक सेकेंड, कैप्टन का हिस्सा बोल रहे हैं तो फिर ऊपर की तरफ कहीं भी होऊंगा, वही रूम होना चाहिए जहाँ पे हमने सबको पेल दिया है पहले से। यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, एक बार ऊपर जाके आते हैं। मुझे लग रहा है वो जो स्क्रोल टेबल पे रखा हुआ था ना, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वही होगा स्क्रोल, लेकिन क्योंकि हमने ये क्लू उठाया नहीं था तो हमें वो स्क्रोल उठाने नहीं दिया। अगर वो एक्चुअली वैसे वही है, स्क्रोल है, वही होगा, तो फिर ये एक काफ़ी बुलशिट तरीका टाइप का है, क्योंकि मैं स्क्रोल के पास तो पहुंच गया था, फिर मेरे पास क्लू हो या ना हो मुझे उठाने देना चाहिए उन्हें। ये देखो वही स्क्रोल निकला, बताया था ना मैंने, तो काइंड ऑफ इन्होंने वो जो क्लू है वो मैंडेटरी बना दिया। क्लू होता है क्या, मतलब आपको हिंट मिल जाते हैं कि आपको स्क्रोल कहाँ से मिलेगी, बट एक कोई एक ऐसा बंदा जिसने क्लू नहीं उठाया और स्क्रोल के पास पहले पहुंच गया तो ऑब्वियसली उसे स्क्रोल उठाने देना चाहिए। पता नहीं इन्होंने ऐसे क्यों किया। ये हमारे पास वो क्लू नहीं था तो हम स्क्रॉल भी नहीं उठा पाए, नॉट कूल। ये काफी वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिशन था। ए मिला है, ओके। टॉक टू इवाओ, अच्छा उसी को तो देना था स्क्रोल। I thought I'd never see these techniques again. There's a lot to do. If you want to follow the warrior's path, come with me inside. Oh, ये हमें कुछ सिखाएगा, देख लेते एक बार एपिसोड रैप अप करने से पहले ये क्या सिखा रहा है। Thank you for helping me. Remember who I am. My name is Yuao. Or Shadow Regine. You see, my sword technique when I was young used to be fast as lightning. So you have come here to become a good warrior. Reason don't really matter. This is now your path. Okay.
फेस फेरेट सलुकोनो माइंड सलूत में ओके. इन द डोजो यू विल लर्न द एंशिएंट एबिलिटीज ऑफ द शैडो क्लैन ओके. यूज एबिलिटी पॉइंट्स टू अनलॉक पैसिव एबिलिटीज और अपग्रेड फॉर योर बेस कैरेक्टर और शैडो. मतलब तीन चीज़ें, या तो पैसिव एबिलिटीज या फिर बेस कैरेक्टरिस्टिक्स अपग्रेड, यानी कि मुझे लग रहा है लाइफ वगैरह होगा, लाइफ एंड स्टैमिना, ये बेस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पैसिव एबिलिटीज ओके, और शैडो पावर्स विच आर पावरफुल टेक्निक दैट विल मेक अ डिफरेंस इफ यूज इन द करेक्ट मूवमेंट. टू यूज शैडो पावर्स ओपन द मेनू व्हील बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड सेलेक्ट द शैडो पावर ऑफ योर चॉइस. वन सेलेक्टेड प्रेस आर ओके. तो शैडो पावर आर से फॉलो यूर ऑन वॉरियर पाथ एंड बिकम अ बैलेंस्ड फाइटर और अ डेडली स्पेशलिस्ट. एक्स्ट्रा टिप्स, यू कैन यूज अ सेकेंड एबिलिटी पॉइंट टू इम्प्रूव द एबिलिटी यू वॉन्ट. रिकवर योर एबिलिटी पॉइंट्स बाय रीसेटिंग द एबिलिटी ट्री इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड. अच्छा, सो अगर हमें कोई बाद में अगर कैरेक्टर बिल्ड बदलना है तो हम रीसेट कर सकते हैं ओके. एक एबिलिटी है अट्रैक्ट, क्या यही अनलॉक करना पड़ेगा? एक ही तो एबिलिटी है, अट्रैक्ट्स नियर बाय एनिमीज टू योर पोजिशन विस्पर यू कैन. अच्छा, बेसिकली वही है असैसिन क्रीड में जो हम सीटी बजा के एनिमीज को अट्रैक्ट करते थे. तो अगर मैं घास फूस में बैठा रहा एंड मुझे किसी को अपने पास बुलाना है तो अभी तो कोई भी चॉइस नहीं है, यही लेना था. ये फर्स्ट बेसिक एबिलिटी है ठीक है. अब और क्या आता है ब्लैक कलर में और ग्रे कलर में, ये एबिलिटी है, ये भी एबिलिटी है. एबिलिटी ब्लॉकिंग विल रिस्टोर स्टैमिना एट अ रेड्यूस्ड रेट, ये पैसिव हो गया ओके. डार्क फ्लेम एम एट द एसेंस ऑफ द क्रिस्टल एंड इन्फ्यूज विद शैडो एसेंस टू समन अ कंसीलिंग फॉग अराउंड इट स्टनिंग नियर बाय एनिमीज ओके. ये एक्टिव एबिलिटी, ये पैसिव एबिलिटी. आई थिंक जो ब्लैक कलर वाली ये सारे एक्टिव एबिलिटीज है. और ये शायद व्हेन यूजिंग शैडो विजन यू कैन सी एन एनिमी रिसेंटली ट्रेवल्ड पाथ ओके. ये पैसिव एबिलिटी काइंड ऑफ. लीन ऑन द वॉल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू बिकम इनविजिबल, दैट्स यूजफुल. परफॉर्म अ स्पेशल असैसिनेशन दैट स्प्रेड्स अ डार्क फॉग केपेबल ऑफ हाइडिंग यू. अच्छा, मतलब बेसिकली अभी आपने देखा ना, मैं दो बंदों के सामने, दो बंदे खड़े थे, एक को असैसिनेट किया और दूसरे ने देख लिया. अगर मेरे पास ये एबिलिटी होंगी तो जब मैं असैसिनेट करूंगा तो एक ब्लैक फॉग फैल जाएगा एंड उसके बाद होगा ये कि सामने वाला बंदा मुझे देख नहीं पाएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उसे भाग के निकलने के लिए. ओके कूल, सो एबिलिटी साउंड्स रियली कूल. हम जो ये एपिसोड इधर ही रैप अप करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि ये एक गेम प्ले एक्सपीरियंस सीरीज है तो जो अगला एपिसोड होगा वो ये एपिसोड के साथ करेक्ट डायरेक्ट लिंक्ड नहीं होगा. मैं कुछ मिशंस वगैरह करूंगा, हो सकता है मैंने एक दो एबिलिटीज खोल ली हो और फिर उसके आगे के एपिसोड्स आपको दिखाऊंगा. क्योंकि मेन एम ये सीरीज का ऐसा है कि आप में से कोई अगर ये गेम अभी खेलना चाहता है या इन फ्यूचर खेलना चाहता है तो उसे कुछ बेसिक आइडिया मिल जाए कि गेम किस बारे में है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. इसलिए ओके, युवाओं क्या बोल रहे हैं? यस यू कैन ट्रेन योर एबिलिटीज विद मी, दिस इज द कर्स्ड वॉरियर स्पिरिट ओके. एक्सेप्ट मिशन सिक्योरिंग सप्लाईज ओके. सो आज का एपिसोड गाइस इधर ही रैप अप करते हैं. आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.